झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी जेपीएससी पीटी का आज एग्जाम रविवार को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया गया है और पहली पाली की एग्जाम समाप्त हुई है। 10 से 12 बजे तक पहली पाली की एग्जाम होनी थी। छात्र जो कैंडिडेट हैं जेपीएससी के अभी निकले हैं पहली पाली देके। कैसा था क्वेश्चन आप लोगों का, आपके तैयारी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखने को मिला कि नहीं? क्वेश्चन बढ़िया था और जो छात्र अच्छे से तैयारी किए हैं उसके लिए बढ़िया क्वेश्चन था। उतना कोई हार्ड भी नहीं था ना ज़्यादा नॉर्मल भी था, मीडियम में ठीक ठाक क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है कि इसे पूर्व में भी दे चुके हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट है, एक बार और दे चुका हूँ लेकिन उस टाइम प्रिपेयर नहीं थे। इस बार भी प्रिपेयर थे बट ज़्यादा दिन टाइम नहीं मिला। लास्ट डेट आपका 3 तारीख था और आज 17 तारीख को एग्ज़ाम हो गया, 14 दिन का ही टाइम मिला। पहले से ही प्रिपेयर थे लेकिन मतलब इतना जल्दी होगा, हालांकि आयोग तो पहले ही बता दिया था लेकिन उतना सबको नहीं, सब सोच रहे थे कि नहीं होगा लेकिन हो गया। और इस बार समय कम दिया गया। हाँ समय कम दिया गया, इस बार थोड़ा अच्छा ये हुआ कि सबको मेल में दे दिया गया एडमिट कार्ड जो आयोग अच्छी। तो एडमिट कार्ड को लेकर भी जेपीएससी कार्यालय के बाहर हमने छात्रों से बात की कि उनकी कुछ त्रुटियां थी, तो आपका भी कुछ एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम था? हाँ साइड खुल नहीं रहा था लेकिन आयोग द्वारा अच्छा काम किया गया कि सबको मेल में भेज दिया गया। अच्छा ये एक खबर निकल के आ रही है चतरा से कि वहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हुआ है ये जेपीएससी का। अच्छा ये बताइए कि आपको जो प्रश्न पत्र मिला था वो सील लगा हुआ था कि नहीं? जी हाँ यहाँ तो सील लगा हुआ था। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका सील खुला हुआ सब कैंडिडेट को दिया गया। तो क्या लगता है कि जेपीएससी फिर से विवादों में आने वाला? आप लोगों का जो तैयारी है, दूर दराज कहाँ से आए हैं आप? हम रामगढ़ से आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये जो यदि एग्जाम रद्द होता है तो फिर आप लोगों के ऊपर बोझ बढ़ेगा कि समय की बर्बादी होगी? नहीं अब तो आगे कार्रवाई पर डिपेंड करेगा कि सच में हुआ है कि नहीं, उसमें जब तक इंतज़ार करना है, इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक उसमें सही ढंग से चेकिंग नहीं होता है तब तक कैसे पता चलेगा हम लोग को? अभी तो हम लोग यहाँ सेंटर में हैं। चलिए ठीक है, ये तो सरकार का काम है। प्रथम पाली की एग्जाम अभी समाप्त हुई है, क्वेश्चन कैसा था? आप लोगों की जो तैयारी थी उस प्रकार क्वेश्चन मिला कि नहीं? क्वेश्चन ठीक था, आउट ऑफ सिलेबस भी था कुछ, और रहा बाकी समय तो दिया नहीं गया उतना ये रिवीजन के लिए, तो अगर समय दिया जाता तो और बेहतर होता। ये दूसरी पाली के लिए आप लोग एक बार फिर से रीचेक कर ले रहे हैं? जी जी। अच्छी एक खबर निकल के आ रही है चतरा से कि वहाँ प्रश्न पत्र लीक हुआ है, क्या लगता है कि जेपीएससी फिर से विवादों में आने वाला है क्योंकि आप लोग कड़ी मेहनत के बाद आज तैयारी करते हैं? जेपीएससी तो नहीं, ये चतरा हजारीबाग में सुने कि बीपीएससी का ये क्वेश्चन लीक हुआ है। आज के एग्जाम का जो आप लोग एग्जाम आप लोग दे रहे हैं आज के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जेपीएससी वाला तो नहीं सुने हैं ऐसा कि क्वेश्चन लीक हुआ या फिर कुछ हुआ ऐसा। अच्छा कितना आश्वस्त हैं कि झारखंड में जो भी एग्जाम हो रहा है जेएसएससी सीजीएल हो जेपीएससी हो क्योंकि विवादों में रहा है, तो कितना आश्वस्त हैं कि ये एग्जाम हम लोग का फेयर तरीके से होगा, किसी प्रकार के विवादों में हमारा एग्जाम नहीं आएगा? विवाद में तो नहीं आना चाहिए, जैसे एसएससी सीजीएल में हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जेपीएससी इसको अच्छे से कंडक्ट करा, ईमानदारी से ले, बाकी विद्यार्थी का फ्यूचर का इसमें सवाल है, गड़बड़ी होते रहेगा तो फिर फ्यूचर ही सारा स्टूडेंट लोग का बर्बाद हो जाएगा। चलिए आप भी तैयारी कर रही हैं, आपका पहला पाली तो कैसा गया? ठीक था, जो तैयारी की उसके अकॉर्डिंग आई थी बट सम क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। और क्या लगता है कि खबर तो आपसे ये निकल के आ रहे कि चतरा में ये, जैसे कि आप लोगों को पहले ये बताइए कि जो पेपर ये क्वेश्चन मिला था वो सील लगा हुआ था कि उस सील लगी हुई थी? तो चतरा में ऐसा बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन जो मिला है कैंडिडेट को वो सील खुली हुई मिली है? अभी इन्फॉर्मेशन आया तो मे भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि जेसीसी में हो चुका है तो इसमें भी हो सकता है। जेसीसी में हुआ तो जेपीएससी में भी हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को तो लग रहा हो कि हम लोग का फिर से एक जो तैयारी है, दूर दराज कहाँ से आई हैं आप? पतरातू से। तो तैयारी की है, हमारा तैयारी जो है बर्बाद होगा, समय तो मिला नहीं रिवीजन के लिए, तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा और क्या।
टाइम मिल जाएगा। तो आप चाह रही हैं कि पेपर लीक हो जाए? नो नो, मीन्स अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से ही कंडक्ट कराना चाहिए। और लेकिन पहले भी बहुत टाइम ये हो चुका है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मे बी पॉसिबल है। पहली पाली की एग्ज़ाम दे के आप आई हैं, आप लोग की जो तैयारी थी उस तैयारी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखने को मिला कि नहीं? मिला कुछ नहीं भी मिला। एक्चुअली मैं एक सिलेबस कवर नहीं हो पाया था मेरा इस बार, और ये बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो सिलेबस नहीं कवर पाया, तो कहीं ना कहीं जो कम समय दिया गया इस कारण? यस कम समय था। एक्चुअली मैं 3 तारीख को ही फॉर्म फिलअप किया गया था, उसके बाद ही जस्ट फिर एग्ज़ाम सेंटर का ये एग्ज़ाम देना पड़ा जल्दी ही। कहाँ से आई हैं? हम ये रजरपा से, रामगढ़ से। अच्छा, तो ये बताइए, खबर निकल के सामने आ रही है कि चतरा से पेपर लीक हुआ है, तो क्या लगता है कि जेपीएससी आप लोग का जो तैयारी है, मेहनत है, फिर से विवादों में आप लोग का समय नष्ट होगा अगर ऐसा होता है तो? हाँ होगा ही, जैसे सीजन में हुआ था उसी टाइप से ये भी अच्छा से क्लियर नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मेरा भी इसमें कम्प्लीटली तैयारी नहीं था, सिलेबस कवर नहीं होने के बाद कितने भी अगर कुछ भी हो जाता है तो फिर भी मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाता, क्योंकि अगर सिलेबस कवर हो जाता तो उसमें हम कह सकते थे कि मेरा सफल, मतलब असफल हो जाता, बट आधा अधूरा था तो हमको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपका भी एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दे के आई हैं, कैसा रहा क्वेश्चन आप लोग के? सेम मेरा भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही है, और जहाँ तक हमको लगता है हम जितना पढ़े उसके आसपास में आया है, पर जिसका पहले से तैयारी होगा वो इसको अच्छा से कर पाएगा। और रहा बात कम समय का, तो हाँ कम समय में हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ है, जैसे जो न्यू स्टूडेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट है जो पहली बार तैयार, तो उन लोग के लिए बहुत दिक्कत होगा। जो थोड़ा बहुत मिल गया है वो अलग बात है, पर फिर भी टाइम चाहिए था थोड़ा सा सिलेबस को कवर अप करने के लिए, जल्दबाजी में एग्ज़ाम को कराया गया है। हाँ ये बोल सकते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका। हाँ। तो तैयारी तो जरूर किए होंगे? हाँ तैयारी तो था, पर वैसा भी नहीं जैसा होना चाहिए था कुछ। कहाँ से आई हैं आप? हम रामगढ़ भुरकुंडा। दूसरी पाली के लिए आप ये आप फिर से रिवीजन कर रही हैं। अच्छा, पहली पाली की यदि बात की जाए तो किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के अकॉर्डिंग जो तैयारी की उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिला कि नहीं? बिना अभी मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, क्योंकि मैंने जिस तरह से प्रिपरेशन किया था, मैं जितना एवरेज लेकर चली थी उससे मेरा थोड़ा कम गया है, मेरा अच्छा नहीं गया है, तो मैं थोड़ा तो अच्छा मतलब इसलिए दूसरी पाली के लिए आप फिर से एक बार रीचेक कर ले रही हैं जी। कहाँ से आई हैं आप? वैसे मैं रामगढ़ से हूँ और मैं हजारीबाग में रहकर पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रश्न पत्र लीक का मामला भी सामने आ रहा चतरा से, कैसा बोला जा रहा है कि वहाँ जो क्वेश्चन था वो जो सील लगी हुई थी सील खुल के मिला है, तो क्या लगता है कि आप लोग का जो समय है यदि क्वेश्चन लीक होता है तो आप लोगों को ये बोझ तो झेलना पड़ेगा? जी ऐसा तो कुछ हमने सुना नहीं अभी तक, तो इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। हमारे साथ कैंडिडेट हैं जो कि दूसरी पाली के लिए आप देख सकते हैं कि किताब पढ़ रहे हैं कि दूसरी पाली में किस प्रकार का क्वेश्चन हम का सामना हमको करना पड़ेगा। पहली पारी में आप लोग जो तैयारी करके आए किस प्रकार का क्वेश्चन था, आप लोग से रिलेटेड जो पढ़ के आए हैं आया कि नहीं? जी बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉन्सेप्चुअल पे बेसिस पे थी और कुछ वैसे जो डायरेक्ट बेसिस पे थी, तो जो कॉन्सेप्ट वाली थी उसमें थोड़ा समय टाइम टेकिंग लगी और जो डायरेक्ट क्वेश्चन थी उसमें थोड़ा सा आसानी से बना। तो दूसरी पाली के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? जी, ये जो अभी झारखंड जीएस जो है अभी इसके बाद 2 बजे से भी प्रारंभ होगी। अच्छा, एक खबर अभी निकल के ऐसी आ रही है कि चतरा से पेपर लीक हुआ है, ये क्या लगता है कि फिर से विवादों में जेपीएससी जाने वाला है? इसके बारे में तो कोई जानकारी हमें नहीं है, और ऐसा अगर इस तरह का कोई घटना अगर घटित होती है तो बेशक इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे छात्र और भी लोग हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और इस तरह के एग्ज़ाम में बैठकर अपनी भविष्य को सुनहरा अवसर अपना देखने का प्रयास करते हैं, तो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी होता है। और हम जैसे लोग जो आज 6 JPCC से लगे हुए हैं और आज तक लगे ही हुए हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आप एग्ज़ाम दे के निकले, ये बताइए कि जो आपको ये क्वेश्चन जो मिला था वो उसका सील लगा हुआ था कि खुला हुआ था? मेरे में तो क्वेश्चन सील लगा हुआ था मेरे में, तो हम लोग का तो ये जो क्वेश्चन आउट का जो मामला आ रहा है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे चतरा में बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन था वो खुला हुआ उनको मिला है। अब यहाँ पे हम लोग के पास तो वैसा कुछ सूचना नहीं है, और
अगर हमको उस तरह का हम लोग के पास वैसा रहेगा तो हम लोग आपके पास खबर करेंगे। मतलब आप लोग का जो क्वेश्चन था वो सील था, बिल्कुल लगा हुआ था हम लोग के पास, सील था। क्वेश्चन तो ठीक ठाक था, लेकिन आप देखिए फॉर्म भराए हुए एक महीना भी नहीं हुआ, तुरंत एग्जाम रिसेंटली लिया जा रहा है, तो ये थोड़ा समस्या है। समय नहीं मिल पाया, यही कारण थोड़ा नहीं मिल पाया। जस्ट पीजीटी एग्जाम भी मैंने दिया था रिसेंटली, तो एग्जाम तो हो रहा है ठीक है, लेकिन फेयर तरीके से एग्जाम तब ना, एग्जाम देते हैं शाम तक क्वेश्चन लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है और उसका पूरी तरीके से जांच भी नहीं होता, फिर अगला एग्जाम लिया जा रहा है, तो एक बच्चों का पढ़ने का एक लय खराब हो जाता है, बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, वो फ्यूचर को लेके ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। अच्छा, एक खबर निकल के से सामने आ रही है, हालांकि इस बात की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि चतरा में जो क्वेश्चन था वो अनसील्ड क्वेश्चन दिया गया है कुछ कैंडिडेट को, तो क्या लगता है कि जेपीएससी फिर से विवादों में आने वाला है? बिल्कुल विवादों में तो आने ही वाला है, जैसे कि मेरे कमरे में अभी मैंने देखा कि मेरे नाम के सचिन कुमार के लगभग 15 लड़के ही एक साथ बैठे हुए हैं, एक अक्षर के एक नाम के सेम नाम के लड़के एक साथ बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ संदिग्ध तो लगता ही है, दाल में कुछ काला मन में लगता ही है। अगर वैसा जामताड़ा और कहीं से खबर आ रही है पेपर लीक के, तो बिल्कुल सही होगी क्योंकि इससे पहले हो चुका है और उसका प्रमाण भी है, इसका भी प्रमाण मिलेगा आज शाम तक या कल तक। कहाँ से आए हैं आप? मैं रामगढ़ से आया हूँ। क्या नाम हुआ? सचिन कुमार। तो जेपीएससी पीटी की प्रथम पाली समाप्त हुई है, कैंडिडेट बाहर निकले और उनका कहना है कि हमारे तैयारी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो आया है, हालांकि कुछ आउट ऑफ सिलेबस है और समय कम दिया गया है, ऐसा छात्रों कैंडिडेट का कहना है कि हमें जो तैयारी का समय और ज़्यादा मिलना चाहिए था। और एक खबर यह भी निकल के आ रही है चतरा से कि वहाँ जो कुछ कैंडिडेट को अनसील्ड क्वेश्चन पेपर दिया गया है, हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ये खबर सत्य है कि नहीं, इसकी आधिकारिक स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं और छात्रों का भी कहना है कि हम शाम तक इस बात का इंतजार करेंगे और आयोग के द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अपने सहयोगी तपस के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।